छोटी छोटी बात। हफीज की जेर सदारत काबीना की इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास आज होगा। 16 निकाती एजेंडा जेर गौर आएगा। सऊदी अरब के तरक्याती मंसूबे में टैक्स की छूट पर गौर होगा। FIA के लिए इजाफी ग्रांट की भी मंजूरी दी जाएगी। बाहर कोई शख्स है जो वहाँ पे अपने पैसे जो यहाँ से ले जाए गए हैं बाहर, वो अगर वाइट इन करना चाहें तो उनको 4% देना होगा। पीटीआई हुकूमत नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम ले आई। हफीज ये कहते हैं स्कीम में 30 जून तक शामिल हुआ जा सकता है। अंदरून और बैरूने मुल्क असासी 4% टैक्स पर जाहिर किए जा सकेंगे। बैरूने मुल्क रकम रखने के ख्वाहिशमंदों को 6% टैक्स देना होगा। क्लियर होने वाले असासों की मालियत FPR वैल्यू की 1.5 गुना तस्लीम होगी। वजीर ममलकत रेवेन्यू हमाद असर का कहना है की चाहते हैं की मौशियत में पड़ा काला धन कारोबार में लगे। एमनेस्टी स्कीम 2019 का आर्डिनेंस जारी। सदर मुमलिकत आरिफ अल्वी ने दस्तखत कर दिए। स्कीम 30 जून तक लागू रहेगी। आर्डिनेंस के मुताबिक प्रॉपर्टी FBR रेट पर 1.5 गुना टैक्स देकर प्रॉपर्टी क्लियर कराई जा सकेगी। आर्डिनेंस के मुताबिक बैरून मुल्क तमाम असासे और जायदादें 4% टैक्स अदा करके कानूनी बन सकती हैं। में भी फेल है, करप्शन अपनी पकड़ने में भी फेल है। जब एमनेस्टी स्कीम हमने एग्जैक्टली 1 साल पहले दी थी उस वक्त बहुत बुरी थी। आज इमरान खान की है वो ठीक है, क्योंकि उसमें उसके रिश्तेदारों और एहलकारों के मौका मिलेगा कि वो अपनी करप्शन को पाक कर दें। ऑपोजिशन की एमनेस्टी स्कीम पर भरपूर तनकीद। शाहिद खकानवासी कहते हैं एमनेस्टी स्कीम कल तक गालियां देने वालों के लिए आज ठीक हो गई। मरियम नवाज का कहना है कि जाली हुकूमत ने मुल्क IMF के पास रहन रखवा दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि IMF पर खुदकुशी तो ना की। इमरान खान साहब ने एमनेस्टी स्कीम पर यूटर्न ले लिया। नफीसा शाह ने कहा कि इमरान खान अपने बेनामी फाइनेंसर्स को एमनेस्टी दे रहे हैं। खुर्शीद शाह का कहना है कि लोग महंगाई पर काबू पाने की दरख्वास्त कर रहे हैं। वफाकी काबीना में एक बार फिर तौसी। डॉक्टर सानिया वजीर आजम की मुआवन खसूसी बराए समाजी तहफ्फुज़ मुहिम मुकर्रर। सानिया निश्चर को वफाकी वजीर का दर्जा दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। सानिया निकम स्पिरिट प्रोग्राम की चेयरपर्सन और एहसास प्रोग्राम की सरबराह। हुकूमत को हैं दरपेश मुआशी मुश्किलात। एक और टेक्नोक्रेट की खिदमात ली जाएंगी। पंजाब का बजट बनाने के लिए माहरे इक्तिसादियात सलमान शाह को जिम्मेदारियां देने का फैसला। अकरम चौधरी से वजीर खजाना का कलमदान वापस ले लिया गया। फेवर टीचिंग अस्पताल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में बदनज़मी। चेयरमैन नो शेरवान की बरकी और डॉक्टर ज़िया अफरीदी में गर्मा गर्मी। ज़ियाउद्दीन वजीर सेहत से भी उलझ पड़े। शाम अनामुल्ला के गार्ड्स ने ज़ियाउद्दीन का सर पार दिया। वाकये के खिलाफ डॉक्टर सरापा एहतजाज। गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। FIR दर्ज करने का भी मुतालबा। उधर थाना यूनिवर्सिटी टाउन में डॉक्टर ज़ियाउद्दीन के खिलाफ FIR दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल। इमरजेंसी के अलावा तमाम सर्विसेज बंद। एहतजाजी डॉक्टर्स का खैबर टीचिंग अस्पताल में पेश आने वाले वाक़े पर वजीर सेहत और नौशेरवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। अपोजिशन अराकीन असेंबली और पेशावर पुलिस हुकाम के माबैन मुज़ाकरात कामयाब। ज़ेरे हिरासत डॉक्टर रहनुमा रहा। सिक्योरिटी हेल्थ डॉक्टर्स को मुतालिबात हल करवाने की यकीन दहानी। उधर टाउन थाने में डॉक्टर्स और पुलिस के अमले के दरमियान हाथापाई। यंग डॉक्टर्स के सदर और SHO दस्तों गिरेबान हो गए। डॉक्टर्स पुलिस से गिरफ्तार की कोशिश करते रहे। सो
सुप्रीम कोर्ट में शेख रशीद की तोहीन अदालत केस की समाअत। अदालत का हुक्म अदौली पर कमिश्नर और डीसी रावलपिंडी पर इजहार बरहमी। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए, आप दोनों अफसरान रावलपिंडी में नौकरी के काबिल नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि किसके हुक्म पर दीवार गिराई गई। अश्तर औसाफ की तबीयत की नासाजी की वजह से शेख रशीद तोहीन अदालत और शहबाज शरीफ केस मुलतवी कर दिया गया। हरीश कंपनी केस में नैब में तलबी, आसफ जरदारी को फिर गिरफ्तारी का खदशा। साबिक सदर ने आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमानत कबल इस गिरफ्तारी दायर कर दी। नैब ने हरीश कंपनी केस में आसफ जरदारी को कल तलब कर रखा है। अदालत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। बदीन में एड्स के मजीद 8 केसेस सामने आ गए। एड्स के रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद 79 हो गई। उधर लड़काना के इलाके रतोडेरो में HIV के मजीद 32 केसेस सामने आ गए। मुतासरीन की कुल तादाद 479 हो गई। मजीद केसेस 1600 अफराद की स्कैनिंग टेस्ट के दौरान सामने आए। दारुल सेहत अस्पताल कराची में निशवा की मौत की वजह इंजेक्शन बना। की मौत के केस की रिपोर्ट मुरतद कर ली गई। 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट की मियाई तज्जिए और हिस्टोपैथोलॉजी की रोशनी में तैयार की। इंजेक्शन लगाने के बाद निशवा के तमाम अज़ा ने काम करना छोड़ दिया था। मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर करार अब्बासी और डॉक्टर समिया तारिक पर मुश्तमिल है। लाहौर की अदालत में पाकिस्तानी लड़कियों की शादी और खरीदो फरोख्त के इल्जाम में गिरफ्तार 11 चीनियों की दरख्वास्त जमानत पर समाप्त। FIA से केस का रिकॉर्ड तलब। अदालती हुक्म के बावजूद FIA की जानिब से केस का रिकॉर्ड पेश न किया जा सका। सरकारी वकील के रिकॉर्ड की पेशी के लिए अदालत से मजीद मोहलत की सदा। मंजिल पर जाने वालों को रास्ते में मौत ने आन घेरा। खजदार में और नाच के मकाम पर ट्रैफिक का अलमनाक हादसा। 3 बसें आपस में टकरा गईं। 5 मुसाफिर जहां बहक, मुतअद्दिद जख्मी। जख्मियों में खातीन और बच्चे शामिल। 8 जख्मियों को जना अस्पताल कराची मुंतकिल कर दिया गया। कराची कोरंगी में ऑपरेशन से 14 मुशतबा अफराद से हिरासत। 3 गिरफ्तार। असलहा बरामद। बहादुराबाद में पुलिस मुकाबले के बाद 1 स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार। असलहा और मसरूका मोबाइल फोन बरामद। उधर लांडी में डकैती की वारदात CCTV फुटेज सामने आ गई। 4 मोटरसाइकिल सवारों ने शहरियों से लूटमार की। मुजाहमत पर कई अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया। सऊदी ग्रीन कार्ड्स को ग्रीन सिग्नल मिल गया। सऊदी फरमानवाज शाह सुल्मान की सरबराही में काबीना इजलास। सऊदी काबीना ने मुनफरद अकामे की मंजूरी दे दी। सऊदी ग्रीन कार्ड रूस में तैयार किया जाएगा। शाह सुल्मान ने नोटिफिकेशन पर दस्तखत कर दिए। शाम के शहर हमा में हुकूमती फौज की पेशकदमी। फोर्सेस के टैंकों से बागियों के जेरे कब्जा इलाके पर शदीद बमबारी। शाम की जमीनी फोर्सेस को रूसी फजाइया की मदद भी हासिल है। ताज़ा ऑपरेशन के बाद 120 अफराद हलाक, 1.5 लाख बेघर हो गए। अमरीका ईरान से जंग नहीं चाहता। अमरीकी वजीर खारिजा माइक पोम्पियो का कहना है कि अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचा तो जवाब देंगे। ईरान पर दबाव डालने का सिलसिला जारी रखेंगे। ईरानी सदर हसन रोहानी कहते हैं कि हमारे सर फखर से बुलंद होंगे और दुश्मन। ईरानी सुप्रीम बोले कि अमरीका और ईरान के दरमियान कोई जंग नहीं होगी। अमरीकी पुलिस एहलकार की फायरिंग। हाबला अमरीकी रियासत टेक्सास में पेश आया। खातून गोलियां ना चलाने के लिए मिन्नत करती रही। फायरिंग की वीडियो से अमरीका भर में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई।
सेवन शरीफ और ओझांक में मूसलाधार बारिश और चिश्तियां और काढ़ा राजनपुर में भी बादल बरसे। दीरबाला के सियाहती मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग राबिता मुनकते हो गया। कराची में बूंदा आज से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। वसीम अकरम ने पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक को नातजर्बा करार दे दिया। वर्ल्ड कप को शामिल करने का मुतालबा भी दोहराया। कप्तान कप की यादगार तस्वीर की नुमाइश के मौके पर मीडिया से बातचीत। कराची में पुलिस की कार्रवाई, पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच पर जुआ लगाने वाले 19 जवानी गिरफ्तार। मुजरमों के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन, प्रिंटर और दीगर अशिया बरामद। और बैटिंग ने मैच हरा दिया। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को तीसरा वनडे 6 विकेटों से हराया। उधर मेजबान टीम ने 359 रन का हदफ 45वें ओवर में हासिल कर लिया। जॉनी बेरिस्टो 128 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच करार। इमामुल हक के 151 रन भी टीम। कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं बाउलर ने अच्छी बॉलिंग का, वर्ल्ड कप से कबल बैटिंग का फॉर्म में आना अच्छा शगुन है। अस्सलाम वालेकुम, रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयदा गुलबतूल और मैं हूं जवाद बाकर। शह सुर्खियां आपने जानी, खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।